हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल लिटरेचर एंड रैंडम वीडियोस बाय नेहा सुल्ताना। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस। वह खुश है क्योंकि वह सच्चाई का पालन कर रहा है। वह खुश है क्योंकि वह सच्चाई का पालन कर रहा है। ही इज़ हैप्पी बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग द ट्रुथ। He is happy because he is following the truth. He is happy because he is following the truth. He is happy because he is following the truth. मेरा दोस्त एक अच्छा व्यापारी है क्योंकि उसने मेहनत करना शुरू किया है। मेरा दोस्त एक अच्छा व्यापारी है क्योंकि उसने मेहनत करना शुरू किया है। मेरा दोस्त एक अच्छा व्यापारी है क्योंकि उसने मेहनत करना शुरू किया है। माई फ्रेंड इज़ ए गुड एंटरप्रीन्योर बिकॉज ही हैज़ स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। माई फ्रेंड इज़ अ गुड एंटरप्रीन्योर बिकॉज ही हैज़ स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। My friend is a good entrepreneur because he has started working hard. वह एक सफल लेखक बनने के लिए मेहनत कर रहा है। वह एक सफल लेखक बनने के लिए मेहनत कर रहा है। वह एक सफल लेखक बनने के लिए मेहनत कर रहा है। He is working hard to become a successful author. He is working hard to become a successful author. He is working hard to become a successful author. He is working hard to become a successful author. बच्चे खुश होते हैं क्योंकि उनका मन सदैव खेलने में रहता है। बच्चे खुश होते हैं क्योंकि उनका मन सदैव खेलने में रहता है। बच्चे खुश होते हैं क्योंकि उनका मन सदैव खेलने में रहता है। चिल्ड्रन आर हैप्पी बिकॉज देयर माइंड्स आर ऑलवेज इन प्ले। चिल्ड्रन आर हैप्पी बिकॉज देयर माइंड्स आर ऑलवेज इन प्ले। Children are happy because their minds are always in play. Children are happy because their minds are always in play. वह एक शानदार नृत्यांतरकार बनने का सपना देख रहा है और उसमें मेहनत कर रहा है। वह एक शानदार नृत्यांतरकार बनने का सपना देख रहा है और उसमें मेहनत कर रहा है। He dreams of becoming a fantastic choreographer and is working hard towards it. He dreams of becoming a fantastic choreographer and is working hard towards it. He dreams of becoming a fantastic choreographer and is working hard towards it. मेरा दादा बहुत साहसी थे। मेरे दादा बहुत साहसी थे और उन्होंने देश के लिए सेना में सेवा की। मेरे दादा बहुत साहसी थे और उन्होंने देश के लिए सेना में सेवा की। मेरे ओके माय ग्रैंडफादर वाज वेरी ब्रेव एंड ही सर्व्ड इन द आर्मी फॉर द कंट्री। माय ग्रैंडफादर वाज वेरी ब्रेव एंड ही सर्व्ड इन द आर्मी फॉर द कंट्री। My grandfather was very brave and he served in the army for the country. इस छायाचित्रकार की कला में सौंदर्य होता है क्योंकि उसने रूपरेखा को खूबसूरती से परिपूर्ण किया है। इस छायाचित्रकार की कला में सौंदर्य होता है क्योंकि उसने रूपरेखा को खूबसूरती से परिपूर्ण किया है। There is beauty in the art of this photographer because he has perfected the composition beautifully.
देर इज ब्यूटी इन द आर्ट ऑफ दिस फोटोग्राफर बिकॉज ही हैज परफेक्टेड द कंपोजिशन ब्यूटिफुली. There is a beauty in the art of this photographer because he has perfected the composition beautifully. वह एक सहायक अध्यापक बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है ताकि वह छात्रों को गुणवत्ता से पढ़ा सके. वह एक सहायक अध्यापक बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है ताकि वह छात्रों को गुणवत्ता से पढ़ा सके. He is studying to become an assistant teacher so that he can teach students with quality. He is studying to become an assistant teacher so that he can teach students with quality. He is studying to become an assistant teacher so that he can teach students with quality. यह फिल्म देखने में मज़ेदार है क्योंकि इसमें हंसी भरे किरदार हैं. यह फिल्म देखने में मज़ेदार है क्योंकि इसमें हंसी भरे किरदार हैं. यह फिल्म देखने में मज़ेदार है क्योंकि इसमें हंसी भरे किरदार है. दिस मूवी इज़ इंजॉयबल टू वॉच बिकॉज इट हैज़ ह्यूमरस कैरेक्टर्स. दिस मूवी इज़ इंजॉयबल टू वॉच बिकॉज इट हैज़ ह्यूमरस कैरेक्टर्स. This movie is enjoyable to watch because it has humorous characters. वह बहुत उत्साही है क्योंकि उसने खुद को नए परियोजनाओं में खोजने का निर्णय किया है. वह बहुत उत्साही है क्योंकि उसने खुद को नए परियोजनाओं में खोजने का निर्णय किया है. He is very enthusiastic because he has decided to explore himself in new projects. He is very enthusiastic because he has decided to explore himself in new projects. He is very enthusiastic because he has decided to explore himself in new projects. उसका उद्देश्य एक सशक्त और समृद्धिशील समाज बनाना है. उसका उद्देश्य एक सशक्त और समृद्धिशील समाज बनाना है. उसका उद्देश्य एक सशक्त और समृद्धिशील समाज बनाना है. His goal is to build a strong and prosperous society. His goal is to build a strong and prosperous society. His goal is to build a strong and prosperous society. His goal is to build a strong and prosperous society. इस तंत्रज्ञ का योगदान उसके क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है क्योंकि उसने नए तकनीकी समाधानों का अध्ययन किया है. इस तंत्रज्ञ का योगदान उसके क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है क्योंकि उसने नए तकनीक समाधानों का अध्ययन किया है. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंजीनियर इज वेल नोन इन हिज फील्ड बिकॉज ही हैज़ स्टडीड न्यू टेक्निकल सॉल्यूशंस. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंजीनियर इज वेल नोन इन हिज फील्ड बिकॉज ही हैज़ स्टडीड न्यू टेक्निकल सॉल्यूशंस. The contributions of this engineer is well known in his field because he उसने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का निर्णय किया है जिससे उसकी ताकत और समर्थन में सुधार हुआ है. उसने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का निर्णय किया है जिससे उसकी ताकत और समर्थन में सुधार हुआ है. He has decided to adopt a healthy lifestyle leading to improvement in his strength and stamina. He has decided to adopt a healthy lifestyle leading to improvement in his strength and stamina. उसने खुद को एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए निरंतर प्रयासशील रहा है. उसने खुद को एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए निरंतर प्रयासशील रहा है. उसने खुद को एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए निरंतर प्रयासशील रहा है.
ही हैज बीन कंसिस्टेंटली एक्टिव इन मेकिंग हिमसेल्फ अ बेटर पर्सन. ही हैज बीन कंसिस्टेंटली एक्टिव इन मेकिंग हिमसेल्फ अ बेटर पर्सन. He has been consistently active in making himself a better person. इस लेखक की रचनाएं बहुत प्रभावशीली हैं क्योंकि उनमें गहरा समाज शास्त्रिक दृष्टिकोण है. इस लेखक की रचनाएं बहुत प्रभावशील है क्योंकि उनमें गहरा समाज शास्त्रिक दृष्टिकोण है. द राइटिंग्स ऑफ दिस ऑथर आर वेरी इम्पैक्टफुल बिकॉज दे हैव अ प्रोफाउंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. द राइटिंग्स ऑफ दिस ऑथर आर वेरी इम्पैक्टफुल बिकॉज दे हैव अ प्रोफाउंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. वह योग्यता से नहीं बल्कि मेहनत से सफल हुआ है. वह योग्यता से नहीं बल्कि मेहनत से सफल हुआ है. वह योग्यता से नहीं बल्कि मेहनत से सफलता हुआ है. मेहनत से सफल हुआ है. सॉरी फॉर दैट. ही सक्सीडेड नॉट जस्ट विथ टैलेंट बट थ्रू हार्ड वर्क. He succeeded not just with talent but through hard work. He succeeded not just with talent but via hard work. You can also say that instead of through. You can say via. Thank you everyone. I hope you all like this video. Please give thumbs up, like, share, subscribe, and if you have any queries, let them know in the comment section below. And please subscribe to my channel Real Literature and Random Videos by Neha Sultana. Bye bye.